हेलो स्टूडेंट, मैं दिनेश कुमार आज फिर आया हूँ एक नई वीडियो के साथ में। तो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटेक कंप्यूटर सोसाइटी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि मार्कशीट किस तरीके से हम बनाते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि मेल मर्ज की हेल्प से आप मार्कशीट कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक्सेल की शीट बनाएंगे। एक्सेल ओपन करते हैं, देन एक्सेल में हम शीट बनाते हैं। रोल नंबर हिंदी, देन नेम लिखेंगे, नेम हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, सोशल साइंस एंड ड्राइंग, देन टोटल हमने रोल नंबर दे दिए हैं। आनंद, महेश, पंकज, राकेश, पुनीत हम यहाँ पर इसको देने वाले हैं। एक फॉर्मूला लगाएंगे रैंड बिटवीन, और हमें नंबर देने हैं 10 से लेकर 80 के बीच में। देन हमने इसको क्लोज किया और ये हमारा रेंडमली नंबर आ गया है। ये रेंडमली नंबर आ चुके हैं, इसे हम कॉपी करते हैं और इसी को यहाँ पर पेस्ट स्पेशल करेंगे और वैल्यू में जाएंगे। ये हमारा वैल्यू आ चुका है, ठीक है, ये आ गया है। देन हम यहाँ पर ऑटो सम करेंगे, तो एल इक्वल टू से हमारा ये ऑटो सम आ जाएगा, ये आ चुका है। देन इसको ड्रैग कर लेते हैं। तो ये हमारी एक मार्कशीट बन चुकी है जिसमें रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट के नंबर आ चुके हैं। तो इसको हम सेव करते हैं, सेव करेंगे और हमने इसको सेव कर दिया डेस्कटॉप पर जाकर। हम इसका नाम दे दिया मार्कशीट, मार्कशीट नाम से हमने सेव कर दिया है डेस्कटॉप पर। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप थी हमारी ये। देन नेक्स्ट स्टेप में ये हमारा जो काम था, ये हमने भी एक्सेल की शीट में काम किया है। अब हम एक फॉर्मेट बनाने वाले हैं वर्ड में। तो चलिए वर्ड स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड, एमएस वर्ड की शॉर्टकट की होती है विन वर्ड, सॉरी विन वर्ड। ये हमारा ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बॉर्डर डालेंगे। हमने यहाँ पर बॉर्डर में जाते हैं, बॉर्डर एंड शेडिंग में, देन पेज बॉर्डर में जाएंगे और पेज पर एक बॉर्डर डालेंगे। हम यहाँ से एक कोई बॉर्डर की डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं, एक सिंपल सा बॉर्डर लगाते हैं। मैंने ये वाला एक बॉर्डर ले लिया है यहाँ से और इसका कलर मैं रख देता हूँ ब्लू। मैंने ये वाला कलर दे दिया है, ठीक है। तो ये बॉर्डर हो गया है आपका। देन हम यहाँ पर एक वर्ड आर्ट के इंसर्ट में जाएंगे, वर्ड आर्ट में जाएंगे और यहाँ से ये एक आर्ट लेते हैं और इसमें लिखते हैं डिजिटेक इंटर कॉलेज, डिजिटेक इंटर कॉलेज। देन हम इसको ओके करते हैं, ये आ चुका है। इसको यहां से पकड़ के हम थोड़ा कर्व करते हैं और यहां से थोड़ा टाइट कर लेते हैं। टाइट हो गया है, इसको आप इस साइड में और इस साइड से थोड़ा हम इसे, ठीक है, इसको यहाँ से कर्व करते हैं, थोड़ा और खींचेंगे नीचे, ये आ गया है, ठीक है, ये आ चुका है आपका। देन ये कर्सर हमारा यहाँ लाना है, तो हम एंटर 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 करेंगे और ये इसको हम ऊपर ले जाएंगे। देन हम यहाँ पर कुछ टाइप करने वाले हैं। हमने लिखा यहाँ पर रिजल्ट 2019 and 2020। ये आपका रिजल्ट आ चुका है। यहाँ नेम आपने दिया,
देन रोल नंबर, ये आ गया, ठीक है। देन हम यहां पर एक टेबल बनाने वाले हैं, इसको हम कंट्रोल एम से इसका इंडेंट सेंटर में लाते हैं, थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, और इसको हम करने वाले हैं थोड़ा बोल्ड। हमने इसको बोल्ड किया, इसका साइज भी बढ़ा देते हैं, और इसका भी हमने थोड़ा साइज बढ़ा दिया है, ठीक है, इसको भी बोल्ड कर लेते हैं। अब यहाँ हमें इसको बैक करते हैं, ये चीज़ आ गई है, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक टेबल डालने वाले हैं, तो टेबल में हमें देखना पड़ेगा कितने हमें कॉलम लेने हैं, कितने रो लेने हैं। तो इसमें हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 9 तो कॉलम चाहिए होंगे हमें और 6 हमें रो चाहिए। तो चलिए हम आते हैं इधर, हमने यहाँ पर टेबल दी, इंसर्ट में जाएंगे, टेबल पे जाते हैं, और टेबल में हम यहाँ से 9 कॉलम चाहिए हमें, देन 6 रो चाहिए, ठीक है, ये हमने बना लिया है। यहाँ पर लिखेंगे सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, एचआर नंबर, देन सॉरी यहाँ पर हम इतना नहीं, चलिए हम देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी। यहाँ हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट के बाद में ऑब्टेन मार्क, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क, देन आपको ऑप्टेन मार्क, पासिंग मार्क्स की जरूरत पड़ेगी, पासिंग मार्क्स, ऑप्टेन मार्क, ये हमें इनकी आवश्यकता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनको डिलीट करेंगे, इनको सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक और डिलीट कर देते हैं, डिलीट हो गया है। इसको यहाँ से इस तरीके से ड्रैग कर लेंगे, ये पासिंग मार्क्स आ गया है। इस लाइन को हम थोड़ा इस साइड में लेके आते हैं। अब सब्जेक्ट हमारा हिंदी रहेगा, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। अब हमें यहाँ पर रो की आवश्यकता है, तो लास्ट सेल में जाके टैब की दबाएंगे, ये और आ जाएगा, ड्राइंग, देन ड्राइंग में के बाद हमारा आता है टोटल, आप टोटल कीजिए इसे, और हमें क्या करना है, इसे मर्ज करना है, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से मर्ज हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर हम नंबरिंग करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, देन इसको हम क्या करते हैं, इसे सेंटर में करते हैं, देन इसको भी सेंटर में कर दे, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसमें जो भी डेटा है वो सेंटर हो जाएगा। इसकी हाइट ये हम थोड़ा साइज कम करते हैं, साइज थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, ये हो जाएगा। देन इसको सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे हम, और सेल अलाइनमेंट में आपका ये सेंटर पे आते हैं, ठीक है, ये आ चुका है सेंटर में, और इसका साइज हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ठीक है, मार्कशीट का साइज हमने थोड़ा इसका टेबल का बढ़ा लिया है, और यहाँ पर हम ये देखिए इसको थोड़ा हम कंट्रोल शिफ्ट एम से पीछे लेके आते हैं, और ये हमारा आ गया है। अब ये इसको हेडिंग को हम थोड़ा बोल्ड करेंगे, ये हमने बोल्ड कर लिया है, और बोल्ड होने के बाद में ये इसको भी हम बोल्ड कर लेते हैं, और इसको हम राइट में लेके आएंगे, ये राइट में आ चुका है, देन ये हमारा 100, देन ये 100, ये 100 रहेगा आपका, ये भी 100 रहेगा टोटल मार्क्स, और ये भी 100 रहेगा, देन ये 33, 33, 33, 33, 33।
अब हमें करना क्या है, ये हमने बना लिया है, अब हमें फॉर्मेट हमारा बन के तैयार है। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मेल मर्ज ऑप्शन का यूज़ करना है और ये हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसका प्रिंट प्रीव्यू देख लीजिए, ये इस तरीके से हमें फॉर्मेट बन के तैयार हो गया है। अब हम इसका प्रिंट आउट इसको मेल मर्ज के हेल्प से ये बनाने वाले हैं। तो मेलिंग में जाएंगे और मेलिंग में जाने के बाद यहाँ आपको मिलेगा, ये आप बंद कर दीजिए। अब ये आपका आ गया है। हम क्या करने वाले हैं, आप इसमें मेलिंग में जाएंगे। मेलिंग में जाने के बाद यहाँ सेलेक्ट रेसिपिएंट आएगा, सेलेक्ट रेसिपिएंट में यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट पे जाएंगे। देन एग्जिस्टिंग लिस्ट में हम डेस्कटॉप पर जो हमने सीट बनाई है वो सीट पर जाने वाले हैं, तो सीट को सेलेक्ट करेंगे। सीट का हमने नाम जो भी दिया है, मार्कशीट के नाम से सेव की है हमने, तो मार्कशीट। और ये सीट वन में था, सीट वन में ये आ चुका है। हम ये एक्सेल वाली सीट को यहाँ से बंद कर देते हैं हमने, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें इंसर्ट मर्ज फील्ड, वो सारी मर्ज फील्ड डालनी है। तो हमें यहाँ पर फील्डें दिख रही हैं, नेम के आगे हम नेम डालेंगे, देन रोल नंबर के आगे हम रोल नंबर डालने वाले हैं। तो नेम एंड रोल नंबर ये आ चुका है। देन हिंदी ऑप्टेन मार्क्स में हिंदी की फील्ड पड़ेगी, इंग्लिश में इंग्लिश वाली फील्ड आएगी, और ये इसी तरीके से हम सारी फील्ड डाल सकते हैं। तो ये हमने यहाँ से सारी फील्ड डाल दी हैं, ये देखिए एक एक करके हमने ये सारी फील्ड यहाँ पर डाल दी हैं। ये ड्राइंग आ गया और टोटल में टोटल आ जाएगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब ये जो है ये देखिए आपका रिजल्ट आपके सामने यहाँ बन जाएगा। प्रीव्यू रिजल्ट पे जाएंगे, प्रीव्यू रिजल्ट पे ये देखिए नंबर आ चुके हैं, आनंद 101, और ये सारे सब्जेक्ट के नंबर यहाँ पर आ गए। नेक्स्ट हमें देखना है, तो ये आ गया है आनंद के बाद हम ये देखने वाले हैं, ये देखिए यहाँ पर अभी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो देखते हैं अभी क्या प्रॉब्लम है। चलिए इसको फाइनल प्रिंट करके देखते हैं। फाइनल प्रिंट पे सभी को प्रिंट करने वाले हैं हम, और ओके किया। ये हमारे पास में प्रिंटर नहीं है, तो हम इसको एक पीडीएफ बना लेते हैं। तो हम इसे ओके करेंगे, और वर्ड कुड नॉट फिनिश द मर्जिंग डॉक्यूमेंट यू इंसर्टिंग द डाटाबेस, बिकॉज यहाँ पर डाटाबेस की प्रॉब्लम आ रही है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर एक बार, दोबारा से इसको सीट को डालते हैं यहाँ से, ये थोड़ा सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा है। डेस्कटॉप पे जाएंगे और ये मार्कशीट सारी फील्डें, देन ये नेक्स्ट, और ये देखिए ये सही हो गया, ठीक है। ये सारा डेटा यहाँ आने लगा है, अब इसको प्रिंट भी हो जाएगा, फाइनल प्रिंट डॉक्यूमेंट, और ओके किया हमने। और हमसे पूछ रहा है ये किससे आप प्रिंट करने वाले हैं, तो हम इसकी एक पीडीएफ बनाने वाले हैं, तो ये पीडीएफ पे आ जाएगा, ओके। देन जहाँ भी आप इसे लोकेशन देना चाह रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर मार्कशीट के नाम से प्रिंट करने वाला हूँ, मार्कशीट, देन सेव, और यहाँ से ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये देखते हैं किस तरीके से हमारा प्रिंट हो चुका है। ये देखिए मार्कशीट बन के आ गई है, आनंद की मार्कशीट आई है, ये देखिए आनंद की मार्कशीट आ चुकी है, और ये देखिए ये आनंद 330 नंबर है, ये महेश की मार्कशीट आ चुकी है 224 नंबर, ये पंकज आ चुका है, ये पंकज की मार्कशीट है 319 नंबर। तो ये आपने देखा ये किस तरीके से हमने इसको किया है। तो ये इस तरीके से हमने बनाया स्टूडेंट। तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं मुझे बताएं, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो तब फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्टूडेंट मैं इसको सेव कर लेता हूँ।
फिर मिलते हैं।